सोलन नगर निगम बनने के बाद सोलन नगर निगम आयुक्त प्रशांत सरकैत द्वारा पहली प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में नगर निगम की निकट भविष्य में क्या योजनाएं रहेंगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सोलन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। शहरवासियों को भी इन नई योजनाओं में अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल किया जा रहा है। होटल और ढाबों में जहां अधिक स्वच्छता होगी उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। अब जो नई मुहिम नगर निगम द्वारा चलाई जाएगी उसका नाम नया साल नई शुरुआत होगी। सोलन नगर निगम आयुक्त प्रशांत सरकैक ने बताया कि नगर निगम सोलन नववर्ष में नया साल नई शुरुआत योजना आरंभ करने जा रहा है। इस योजना के तहत सोलन को स्वच्छ बनाने के लिए सोलन शहर में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग एकत्रित किया जाएगा। जो व्यक्ति गीले कूड़े से खाद बनाएगा उसे नगर निगम सम्मानित करेगी। उन्होंने बताया कि नगर में अब कूड़ा कम से कम दिखे इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। व्यवस्थाओं को पहले से अधिक दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब नगर निगम सोलन फेसबुक पेज पर भी नजर आएगी। जो क्षेत्र सोलन में सबसे सुंदर और स्वच्छ होगा उसे फेसबुक पर दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम फेसबुक पर एक प्रतियोगिता आरंभ करने जा रहा है जिसमें प्रतिभागी नगर निगम का लोगो डिजाइन करेगा। जिसका लोगो सबसे अच्छा होगा उसे 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य बेसिकली सोलन शहर में हम एक नया अभियान चलाने जा रहे हैं, बल्कि चलाना शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत नया साल नई शुरुआत इस अभियान का नाम है। हम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ कदम उठाने वाले हैं, जिसमें मुख्य कदम शहर का जो कचरा कूड़ा घर घर से इकट्ठा हो रहा है उसका गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग इकट्ठा किया जाएगा। ये 1 जनवरी 2021 से अमल में लाया जाएगा और इसको अमल में लाने के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं और ये सुझाव हमारे नगर निगम के फेसबुक पेज पे वो देख उनके उन्हें दिख जाएगा कि किस ईमेल पर अपने सुझाव वो दे सकते हैं। 12 तारीख से 24 तारीख के बीच ये सुझाव वो दे सकते हैं और ईमेल के अलावा डाक के माध्यम से भी नगर निगम में भेज के ये सुझाव दे सकते हैं। पहला ये मेन अभियान है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नागरिक जो गीला कूड़ा अपने घरों में खाद में कन्वर्ट कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हम उनका सर्वे करेंगे और ऐसे लोग जो कर रहे हैं वो खुद भी एक पत्र द्वारा हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम आकर इंस्पेक्शन करेंगे उनके कूड़े की पिट का। और इसके अलावा जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे होटल हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं और मोहल्ले हैं, चाहे मोहल्ले हैं, RWAs हैं, जो सबसे बेहतरीन काम अपने सराउंडिंग्स को साफ रखने का कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम सम्मानित करेंगे इस शहर को और स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। सोलन शहर की स्वच्छता की मुहिम के बीच में हम एक और छोटी सी मुहिम कर रहे हैं। हालांकि सोलन एक काफ़ी पुरानी म्यूनिसिपैलिटी है, लेकिन अभी तक सोलन म्यूनिसिपैलिटी का यानी नगर परिषद और नगर निगम का कोई लोगो नहीं है, एक चिन्ह नहीं है। तो एक कंपटीशन के ज़रिए हम आम सिटीजन से, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, चाहे वो सोलन का शहरवासी है कहीं बाहर का है, कोई भी आदमी सोलन का क्या लोगो होना चाहिए, क्या सोलन का जो शहर है इसकी आत्मा क्या है, इसकी ये क्या दर्शाता है, क्या इसकी फीलिंग है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पिक्टोरल लोगो सबमिट कर सकते हैं कंपटीशन में। और इस कंपटीशन जीतने वाले के लिए हमने 5,000 रुपये का इनाम भी रखा है। इस लोगो के बारे में अधिक जानकारी आप हमारे फेसबुक पेज पे पा सकते हैं, जो कि 14 तारीख को डाल दी जाएगी और 15 तारीख से लेकर अगले 10 दिन तक लोगों की एंट्रीज ईमेल के माध्यम से भी और डाक के माध्यम से भी ली जाएंगी।